हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपसे बात करते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ हिंदी डबेड और कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। खाली ऊर्जा है? अबे कोई ऊर्जा नहीं है, ये जवानी की फ्रस्ट्रेशन है। मेरे खाता खोल लो। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे फिल्म शेरशाह की। शेरशाह फिल्म 2021 की सुपरहिट फिल्मों में शामिल हो गई है। इसी बीच फिल्म को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फिल्म के प्रोड्यूसर शब्बीर बॉक्सवाला ने कहा है कि पहले इस फिल्म में सलमान खान अपने बहनोई आयु शर्मा को लेना चाहते थे और ये फिल्म आयु शर्मा की पहली यानी कि डेब्यू फिल्म होने वाली थी। लेकिन शेरशाह के मेकर्स पहले ही सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम सामने ला चुके थे और उन्होंने बत्रा फैमिली को भी इस बारे में बता दिया था कि विक्रम बत्रा का रोल कौन प्ले कर रहा है। तो जब सलमान खान ने अपने बहनोई आयु शर्मा को लेकर बात की तो फिर बाद में मेकर्स ने सलमान खान को मना कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा फैसला था। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। सैफ अली खान अर्जुन कपूर की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस के ट्रेलर को रिलीज किया गया है। अर्जुन कपूर और सैफ अली खान की जोड़ी ट्रेलर में काफी अच्छी लग रही है। दोनों पूरे ट्रेलर में कॉमेडी करते हुए दिख रहे हैं। ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म की कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जो भूतों को पकड़ते हैं। सैफ अली खान और अर्जुन कपूर के अलावा जैकलिन फर्नांडिस और यामी गौतम भी हमें इस फिल्म में नजर आएंगी। ये फिल्म 17 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। लेकिन जो भी था वो बेड के नीचे था। बेड के नीचे भूतों की फेवरेट जगह होती है। नागा चैतन्य और साई पल्लवी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म लव स्टोरी की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। काफी टाइम से रुकी हुई ये फिल्म अब 10 सितंबर को रिलीज होगी। साथ ही मच अवेटेड हॉलीवुड फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज की इंडिया रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। ये फिल्म 15 अक्टूबर को इंग्लिश के साथ साथ तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज होगी। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि प्रतीक गांधी की एक फिल्म आने वाली है जिसे पुलकित डारे करेंगे और भूषण कुमार हंसल मेहता प्रोड्यूस करेंगे। इस फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है। फर्स्ट लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिल्म का नाम डेढ़ बीघा जमीन है। शादी फिल्म की कहानी प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, तभी इस फिल्म का नाम डेढ़ बीघा जमीन रखा गया है। फिल्म की रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं हुई है। अगले खबर की बात करें तो G5 पर एक मूवी का ट्रेलर आया है। नाम है हेलमेट। बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर है। हाँ शैम्पू, साथ में ना ये भी चाहिए था। निरोध कौन लेता है ये? ये फिल्म भले ही छोटे बजट में बनी है, लेकिन सच में इसका ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि फिल्म भी काफी अच्छी जाएगी। ये फिल्म 3 सितंबर को G5 पर रिलीज हो रही है। रूम फ्रेशनो चूरन जो लेने गए थे वो कहाँ है? वो लोग इतने सारे थे वहाँ पे कि हम मांगे नहीं पाए। तो क्या चूरन लगा कर करोगे? बात करें एक जबरदस्त रूमर की तो आयुष्मान खुराना बहुत जल्द एक एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। खबर है कि आनंद एल राय और भूषण कुमार एक एक्शन फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आएंगे। साथ ही इस फिल्म में जयदीप अहलावत विलन के रोल में नजर आएंगे। फिल्म की और जानकारी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो देखते हैं कि इस फिल्म की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। शाहरुख खान और अतुल कुमार की अपकमिंग फिल्म को लेकर कुछ और अपडेट सामने आए हैं। अभी तक फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन आए दिन फिल्म से जुड़ी कुछ न कुछ अपडेट आती रहती हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि साउथ एक्ट्रेस नयनतारा को इस फिल्म में साइन किया गया है। अभी इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा का नाम भी जुड़ गया है, जो इस फिल्म में काफी अहम रोल में नजर आएंगी। फिल्म का बजट भी सामने आ गया है। करीब 200 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया जाएगा, पर वही बात है कि अभी तक फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो देखते हैं कि कब तक इस फिल्म की अनाउंसमेंट की जाती है। कल है 19 अगस्त यानी कि वो दिन जिस दिन अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म बेल बॉटम सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। काफी टाइम के बाद कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। आप सबसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखने जाएं। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी सिनेमा हॉल को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है, तो फिलहाल महाराष्ट्र में ये फिल्म अभी नहीं रिलीज हो रही है। बाकी जगहों पर आप चेक कर इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। तो कौन कौन है जो बेल बॉटम फिल्म को देखने जा रहा है हमें कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।